हेडलाइंस के प्रायोजक हैं सत्कार हीरो 30 वर्षों का विश्वास। उमरिया डकैती और हत्याकांड के आरोपियों ने उगले कई राज। एसडीओपी सिवनी की सरकारी पिस्टल इनोवा कार, नगदी और जेवरात भी बरामद। बदमाशों के बड़े हौसले, सब्जी मंडी रोड पर व्यापारी से 3 लाख कैश छीनकर भागे बाइक सवार। पर्यावरण को लेकर छिंदवाड़ा में लगातार जारी है जागरूकता प्रयास। राजपूत क्षत्रिय समाज और समाज सेवियों ने किए वृक्षारोपण। और सावन के महीने में शहर हुआ धर्ममय, हरिनाम सप्ताह, भजन कीर्तन और भंडारा। नमस्कार, सिटी हलचल में आपका स्वागत है। मैं कोशिमा और आइए अब बढ़ते हैं खबरों की ओर। विगत दिनों सारंग बिहेरी के पास उमरिया में हुई डकैती और हत्या की वारदात के आरोपी अब पुलिस हिरासत में हैं। पुलिस अधीक्षक मनोज राय ने बताया कि गिरफ्तारी के दौरान आक्रमण करते हुए जिस 9.9 mm पिस्टल से आरोपियों ने पुलिस पर फायर किया था, वह इन लुटेरों ने सिवनी के घनसौर में पदस्थ एसडीओपी के घर से चुराई थी। पुलिस रिमांड में हुई पूछताछ में कई राज इन आरोपियों ने उगले हैं, जिसके जरिए बताए गए स्थानों से चोरी और लूट की चीजें बरामद कर ली गई है। उम्मीद है पूछताछ में और भी खुलासे होंगे। जैसा आप सभी को पता है, 25-26 जुलाई की दरमियानी रात में मोकेड़ थाना क्षेत्र के उमरिया में हत्या के साथ डकैती की घटना हुई थी, जिसके मुख्य आरोपियों को कोतवाली थाना क्षेत्र में डकैती की योजना बनाते हुए पकड़ा गया था। उनसे पूछताछ के बाद पूरी गैंग का खुलासा हुआ। उस गैंग के बाकी जो साथी थे उनको हम लोगों ने लगातार रैकी करके और प्रयास करके सभी साथियों को पकड़ लिया। जब पकड़ने के बाद पूछताछ हुई तो पूछताछ में न केवल बैतूल और छिंदवाड़ा की दोनों घटनाएं, बल्कि कई सनसनीखेज और घटनाओं का इनके द्वारा खुलासा किया गया। इसमें मुख्य रूप से सिवनी जिले के थाना घनसौर कस्बे में एसडीओपी घनसौर श्रद्धा सोनकर के शासकीय आवास से शासकीय पिस्टल चोरी की घटना हुई थी, जिसमें देवराम और रमेश की गैंग द्वारा ही चोरी की घटना की गई थी। इनकी निशानदेही पर नागपुर से हमारी टीम ने जाकर शासकीय पिस्टल को जब्त किया है, जिसकी पहचान भी करा ली गई है कि ये शासकीय पिस्टल ही है जो घनसौर से चोरी की गई थी। इनसे पूछताछ में कई और खुलासे हुए हैं, न केवल छिंदवाड़ा बल्कि आसपास के जिलों में भी लगातार इनके द्वारा वारदातें की जा रही थी, जिसमें छिंदवाड़ा शहर से 3 मोटरसाइकिल चोरी की घटनाएँ, जैतपुर थाना चांद से इनके द्वारा एक बड़ी नकबजनी की घटना जिसमें 4 से 5 लाख रुपए के जेवरात चोरी गए थे, साथ ही सिवनी जिले में घनसौर कस्बे में करीब 5 से 6 इनके द्वारा चोरी की वारदातें की गई थी। ये पूरा गैंग अंतर्राज्यीय गैंग है, जिसमें छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला और भंडारा महाराष्ट्र के कुल 9 लोग इसमें शामिल थे। इनके कब्जे से अभी तक 2-4 पहिया गाड़ियाँ, जिसमें इस घटना में डकैती की घटना में शामिल इनोवा कार और स्विफ्ट कार, साथ ही इनके कब्जे से 3 मोटरसाइकिलें, हथियार, जेवरात, असली जेवरात जो इनके द्वारा छुपा के रखे गए थे, उन जेवरात को भी पुलिस ने जब्त कर लिया है। साथ ही अन्य घटनाओं में जो इनके द्वारा जेवरात और लैपटॉप, टीवी, अन्य सामग्री चोरी की गई थी, उनके बारे में भी हम लोग को जानकारी मिल गई है। लगातार हम लोग पूछताछ कर रहे हैं, इसमें हमें उम्मीद है कि और भी घटनाओं का खुलासा होगा। साथ ही इस पूरे घटनाक्रम में इनके द्वारा एटीएम कटिंग में जो गैस सिलेंडर और कटिंग के लिए सामग्री उपयोग की जा रही थी, उस सामग्री को भी बरामद कर लिया गया है और मौके से इनके फुटेज मिले थे, उससे भी पुष्ट हुई है कि इनके द्वारा उस घटना में भी कारित की गई। इस पूरे सफलता में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक छिंदवाड़ा शशांकर,
सीएसपी छिंदवाड़ा विशेष अग्रवाल, डीएसपी क्राइम अशोक तिवारी, एसडीओपी सांसद आरके सिंह, टीआई लोधीखेड़ा मनीष राज भदौरिया, टीआई कोतवाली विनोद कुशवाहा, साइबर सेल की टीम, सब इंस्पेक्टर दीपक यादव, सब इंस्पेक्टर सौरभ, सब इंस्पेक्टर दीपक बिहारिया, टीआई राजेंद्र मस्कोले, पिछले 8 दिन से दिन रात मेहनत करके इस पूरी टीम ने काम किया है, जिसके कारण हम लोगों ने इस पूरे गैंग का को पकड़ा है, नेस्तनाबूद किया है। साथ ही इनके द्वारा अन्य जो जगहों पे बड़ी घटनाएं की गई थी उनका भी हम लोगों ने खुलासा किया है। 9 अगस्त तक हम लोगों ने पूरी बदमाशों का पुलिस रिमांड लिया है। हम लोगों का प्रयास है कि इनके द्वारा अगर अन्य कोई घटनाएं की गई हैं उन घटनाओं को भी इनसे ट्रेस किया जाए और जितने इनके द्वारा अपराध किए गए हैं सभी अपराधों का खुलासा किया जाए। पीछे गाड़ियां कैमरे के बटन भूल दबा रहा हूँ। बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हुए हैं या इजी मनी और ऊंचे ख्वाबों के कारण यूथ अपराधों में शामिल होता जा रहा है। आज दोपहर गुरैया सब्जी मंडी से लौट रहे व्यापारी से कुछ बदमाशों ने आंख में मिर्ची का पाउडर झोंककर लूट की वारदात अंजाम दी। बाइक सवार ये बदमाश 3 लाख कैश से भरा बैग व्यापारी से छीनकर फरार हो लिए। मोबाइल नहीं है उनके पास, मोबाइल नहीं है, व्यापारी है, मंडी का व्यापारी है, बस चेकिंग भी करते हैं। लगभग 3:15 बजे की घटना है। ये मंडी व्यापारी हैं राजन सेठिया, जो रोज़ की तरह मंडी में व्यापार करते हैं और रोज़ की तरह जो है वो अपने घर की तरफ लौट रहे थे। 3:15 बजे के आसपास रानी कोठी के थोड़ा पहले अज्ञात बदमाश आए, दोपहिया वाहन से थे वो, इनकी आंखों में मिर्ची डाली और इनके पास जो बैग था जिसमें पैसा और इनका मंडी का हिसाब था वो लेके फरार हो गए। इन्होंने उन बदमाशों का पीछा भी किया लेकिन जो है वो चूंकि आंखों में मिर्ची इनकी आंखों में मिर्ची थी तो कलेक्ट्रेट तक ये पीछा करते रहे और बदमाश आगे फरार हो गए। इनके मुताबिक जो है वो 2 लाख करीब की रकम इनके बैग में थी और मंडी का हिसाब था। अभी बताना मुश्किल है क्योंकि जो बाइक सवार पीछे से आया उसने इनकी आंखों में मिर्ची डाल दी थी तो ये ठीक तरह से देख नहीं पाए। अब आगे फर्दर जो है ना इन्वेस्टिगेशन में सामने आएगा। मैं सब्जी मंडी से आ रहा था, सामने गाड़ी में बैग रखा था, पैसे थे, हिसाब किताब था पूरा। पीछे से आए
आँख में मिर्ची डाले और बैग उठा भागे। कितने लोग थे? दो लोग थे, मैं काफ़ी दूर तक उनका पीछा कर रहा। क्या करते हैं आप? सब्जी का काम करते हैं अड़क का। कितने पैसे थे? 3 लाख रुपए। यानी लूट कितने की थी आपके? 3 लाख थे, पूरे लेके गए हिसाब किताब पूरे। अरिहंत इंटरनेशनल एकेडमी में स्टूडेंट कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह गणमान्य अतिथियों की गरिमामय उपस्थिति में यादगार आयोजन बना। AIA छात्र संघ 2019 में चुने गए पदाधिकारियों ने CIMS मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर GB रामटेके, शिक्षाविद डॉक्टर SA ब्राउन, DFO डॉक्टर किरण बिसेन, असिस्टेंट डीन डॉक्टर शिरपुरकर की विशिष्ट मौजूदगी में शपथ ग्रहण की। शपथ ग्रहण समारोह की अध्यक्षता AIA की प्रिंसिपल दिव्या नागर ने की। इस अवसर पर अरिहंत परिवार की ओर से चेयरमैन संजीव सिंघई ने सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत किया। The first house marching is Shraddha House, the house of freedom, confidence and trust. With their royal blue flag, led by their house captain, Abhijit Bhatt. Now we can see Brown House with their red flag action. With their green flag, led by their house captain, Abhu Deshmukh. I would like to request our director, Mr. Brijesh Maheshwari, Dr. Madam, to felicitate Dr. Kiran Bhatt. You all have been performed over here with so much of enthusiasm. An investiture ceremony, that means the leadership which we instilled in our school. A huge round of applause. Our chairman, Mr. Sanjeev Ji Jain, ki aur se, Principal Ma'am, aur tamam humare गुरुजनों की ओर से, विद्यार्थियों की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन करता हूँ। Promise to abide. Promise to abide. By all the rules. By all the rules. And regulations. And regulations. Of our school. Of our schoolies. To the best of my abilities. To the best of my abilities. I shall strive hard. I shall strive hard. To maintain discipline. To maintain discipline. Friendship and brotherhood. The dignity, the dignity, and keep up the good name of our school, of our school. The time has come for which everyone was waiting eagerly. So first, I would like to call Nishu Chaure, the speaker, to come on the stage. For filling the badge, I request. स्पीकर पद के लिए निशु चौरे, हेड गर्ल तनिष्का खंडेलवाल, डिसिप्लिन मिनिस्टर आयुषी गडकरी, कल्चर मिनिस्टर अभी डहरिया, स्पोर्ट्स मिनिस्टर दक्ष माहेश्वरी एवं हेल्थ मिनिस्टर नवीन पराड़कर सहित पदाधिकारियों ने शपथ ग्रहण की। It's a big opportunity. So I congratulate the leaders, student leaders, and this is an opportunity for all the students. एक बच्चा जो जीरो है उसको आप अंदर डालना है। एक बार दसवीं का बच्चा हो गया, बारहवीं का बच्चा हो गया, उसमें भी आप कर सकते हो, वो अपने लेवल पे रहेगा। So every teacher has its own role. KG का टीचर अपने लेवल पे, सेकंड स्टैंडर्ड का टीचर अपने लेवल पे, बारहवीं का बच्चे का टीचर अपने लेवल पे, MBBS का फर्स्ट ईयर का बच्चा कल कल मेरी लेवल पे, MD का बच्चा और हायर लेवल। सो टेक दैट अपॉर्चुनिटी, ही विल रिगार्ड यू एज अ गोल पर्सन फॉर हिज रेस्ट ऑफ हिज लाइफ। अपन को सब तो फर्स्ट स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, सेवन्थ स्टैंडर्ड की कोई कोई टीचर्स का नाम याद रहता, कुछ चीज बुरी के लिए आ रहा है, इसने बहुत केन से मारा है बचपन में मेरे को, वो भी याद रहेगा। बट मोर इम्पोर्टेंटली द वन हु हैज टॉट यू वेल, द वन हु हैज ग्रूम्ड यू वेल। दीपक राज जैन साहब ने कहा
ये बड़ा संगम की बात है कि यहाँ वन है, स्वास्थ्य है और शिक्षा है। तो ये तीनों जो स्तंभ है, वन मीन्स पर्यावरण, स्वास्थ्य और शिक्षा, वाकई हमारे जीवन में हमें स्वस्थ रहने के लिए, हमें आगे बढ़ाने के लिए, हमें लीडर बनने के लिए बहुत जरूरी है। AIA का यह शपथ ग्रहण समारोह शानदार रंगारंग कार्यक्रमों से और भी आकर्षक बना। डायरेक्टर दीपक राज जैन और ब्रजेश माहेश्वरी के अथक प्रयास कार्यक्रम के हर पल की खूबसूरती बयान करते रहे। दिवंगत कांग्रेस नेता स्वर्गीय प्रदीप सक्सेना की याद में उनके जन्मदिन पर सद्भावना मंच और उनके शुभचिंतकों व समर्थकों द्वारा जिला अस्पताल में कल हृदय रोग जांच एवं परामर्श शिविर का आयोजन किया गया है। कांग्रेस के युवा नेता और स्वर्गीय प्रदीप सक्सेना जी के पुत्र प्रबल सक्सेना ने आयोजन की जानकारी दी। माननीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी और हमारे लाडले सांसद नकुल नाथ जी के आशीर्वाद से 5 तारीख को, 5 अगस्त को स्वर्गीय श्री प्रदीप सक्सेना जी का जन्म दिवस होता है। उनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य पे हम समस्त कमलनाथ सद्भावना मंच ने और उनके जो साथी हैं प्रदीप सक्सेना जी के, सब ने मिल के एक विशाल हार्ट शिविर का आयोजन किया है जिला अस्पताल में गेट नंबर 1 ट्रॉमा सेंटर के सामने। सारे जिले वासियों से अनुरोध है कि इस हार्ट शिविर में वो आए, ज़्यादा से ज़्यादा की तादाद में आए और इसका लाभ उठाएं। इस हार्ट शिविर की खासियत ये है कि इसमें जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज के दोनों के डॉक्टर उपस्थित रहेंगे, उनकी देख रेख में ये शिविर होगा और हमारे जो भी पेशेंट्स रहेंगे उनको मेडिकल कॉलेज के डीन रामटेके सर पर्सनली खुद देखेंगे। और यह हार्ट शिविर पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई हार्ट शिविर हमारे ज़िले में हो रहा है, इसमें ECG, ब्लड टेस्ट, शुगर टेस्ट मुफ्त होगा, निशुल्क होगा। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ज़िले वासियों को इसका लाभ उठाना चाहिए। हमारा सबका, कमलनाथ सद्भावना मंच का अनुरोध है कि सब लोग आए और इस शिविर का लाभ उठाएं। सुबह 11 बजे से ये शिविर शुरू हो जाएगा 5 अगस्त को, तो अनुरोध है कि कृपया सम्मिलित हों इसमें और इस कार्यक्रम को अच्छा बनाएं। आइए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जिंदगी का सबसे खूबसूरत एहसास रिश्तों का बंधन, और रिश्ते जब एक सूत्र में बनते हैं तो वो पल होता है जिंदगी का सबसे यादगार लम्हा, और इस यादगार लम्हे को दीजिए भव्यता के रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। शहर के मध्य हृदय स्थल रेलवे स्टेशन के बहुत पास, भीड़ भाड़ और ट्रैफिक से दूर स्वर्ग सा जहां, 70,000 वर्ग फीट का शाही ओपन लॉन, 30,000 वर्ग फीट का विशाल पार्किंग एरिया, विवाह फेरों के लिए सुसज्जित विवाह मंडप, AC लग्जरी रूम, 2 AC हॉल, स्पेशल डिनर एरिया, 2 भव्य किचन, स्टोर रूम, बड़ा वॉशिंग एरिया, 3 बड़े प्रवेश द्वार, कैटर्स और डेकोरेशन की फैसिलिटी। तो अब अपने परिवार के सभी शुभ अवसरों को दीजिए भव्यता का रंग श्री राणा मैरिज लॉन के साथ। स्थान 4 फाटक दादाजी धोनी वाले मंदिर के पास, छिंदवाड़ा। बुकिंग हेतु संपर्क करें 9098161976 और 2322244। श्री राणा मैरिज लॉन। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। वन विभाग और आरा मशीन एसोसिएशन के संयुक्त तत्वावधान में आज अतरवाड़ा बाईपास के समीप वृक्षारोपण किया गया। तो
आप जामुन लगा दीजिए, कोई भी दूसरा नहीं। या भाजा है तो वो सारा कर खेत वाले करवाएंगे ना। हाँ ये खींचो, जा खींचो। अरे नहीं निकलेंगे भैया, भोजन भोजन अच्छा भाई क्या करूँ भैया, सिंगर से आगे थोड़ा ले। ये तो वाले कहाँ गए? आज ये सामिल ऑनर एसोसिएशन के द्वारा रोड साइड वृक्षारोपण के अंतर्गत उनका पूरा जो कारणी है, उसके जितने सदस्य हैं और यहाँ अतरवाड़ा गांव के नागरिक, यहाँ स्कूलों के बच्चे, सभी लोग मिलकर के इस रोड साइड को सुंदर बनाने के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। चूँकि वन विभाग इसमें ऑलरेडी काम कर रहा है, उसके बाद भी जगह इसमें काफ़ी है, उस बीच बीच के जो गैप हैं उसमें हम और पौधा लगा के इसको और सघन बना रहे हैं और ख़ासकर इसमें फलदार पौधे, छायादार पौधे लगा रहे हैं ताकि आने वाले समय में मनुष्यों को, जानवर को छाया भी मिले और साथ ही जो फल हैं, फल फलदार पौधे से फल जो संबंधित किसान हैं, गांव वाले लोगों को मिलेगा, जो निःशुल्क रहेगा और इनकी देखरेख भी वो लोग खुद स्वयं करेंगे। वन विभाग तो इसमें साथ में है, लेकिन हम गांव वालों को भी जोड़ रहे हैं, बच्चों को भी जोड़ रहे हैं ताकि हमारा वृक्षारोपण सफल रहे और आने वाले समय में हमारा पर्यावरण को सुधार हो सके और नगर और शहर सुंदर हो सके। राजपूत क्षत्रिय समाज ने भी पर्यावरण के प्रति जागरूकता का उदाहरण पेश करते हुए संगठन अध्यक्ष संत सिंह सेंगर के नेतृत्व में वृक्षारोपण किया। ये आ जाओ, सब लोग आइए, सर आइए, सर हाथ लगाइए, लो अच्छे दबाते हुए आज कुशवाहा जी के मुख्य आतिथ्य में जिला राजपूत क्षत्रिय सभा द्वारा और हमारे प्रदीप भाई कुत्रे साहब और ये हमारे ठाकुर साहब चक्रवार जी, अपने नायक साहब, संजय साहब, मैडम जी और भैया लोगों ने इससे बहुत, हमारे चतुर भाई और क्या नाम है तुम्हारा, द्वारपाल जी ने जो सहयोग प्रदान किया आज प्लांटेशन, और इसकी प्रेरणा हमारे आदरणीय कुशवाहा जी ने दिए और उन्होंने कुशवाहा जी द्वारा सब वृक्ष की लिया और सबने लोगों ने, राजपूत समाज के लोगों ने लाए और उसके द्वारा आज ये प्लांटेशन किया। और ये प्लांटेशन इसलिए किया जाता है कि ये वृक्षों में शंकर जी का वास होता है और ये वृक्ष हमें शुद्ध वायु देते हैं और बरसात भी देते हैं। तो इसलिए सभी से प्रार्थना है, सभी समाज के लोगों से प्रार्थना है, सभी यानी जो जनता जनार्दन से, माताओं बहनों से प्रार्थना है कि अपने घर के आसपास ज़्यादा से ज़्यादा प्लांटेशन करना चाहिए और जिससे ये समाज की और जो ये पर्यावरण बिगड़ रहा है इसमें सुधार होगा। धन्यवाद, जय। पेंशनर समाज की मासिक बैठक आज पेंशनर सदन में सम्पन्न हुई, जिसमें अध्यक्ष SDA तिवारी की अध्यक्षता में पदाधिकारियों व सदस्यों ने कई गंभीर मसलों पर चर्चा की। जो भोजन परोसने की प्रथा है, मैं उस पे आऊंगा और आप सभी ने इसको देखा है, आप सभी ने महसूस किया है और इसका उल्टा हम अपने शादी ब्याह में देख लीजिए, जितना खाते नहीं उतने अधिक प्लेट में ले लेते हैं और आखिर में वो कूड़ेदान में फेंका जाता है। इसी प्रकार पानी की आवश्यकता आ गई कि पानी भी हम देखते हैं, यदि कोई भी हमारे अतिथि आता है या हमारे बच्चे भी नल पानी निकालते हैं फिल्टर से तो पूरे गिलास भर लेते हैं और जल को संग्रहण कर सकते हैं। लोग उसमें 250 ml की और 500 ml की बोतल आ गई है, निसंदेह ये पानी को बचाने का अच्छा तरीका है। और भी स्वतंत्रता दिवस के संबंध में अपने विचार रखेंगे, आप लोग भी तैयार होके आइए। हमने तभी से
और सरकार के कानों में इस बात को रखना शुरू किया कि महंगाई राहत जो दी जाती है वो हमें दी जाए। इसके पहले आपको 136% महंगाई राहत मिल रही थी, निसंदेह इससे पेंशन में बढ़ोतरी हुई, पेंशन बढ़ी, उसके बाद में 3% के बाद में 2% करके आज हमें 9% महंगाई राहत प्राप्त हो रही है। और जबकि मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को यह महंगाई राहत 12% मिल रही है। हाई कोर्ट के फैसले के विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट में SLP लगा दी, याचिका लगा दी कि ये जो है ये 31 महीने का महंगाई राहत देने में असमर्थ है, क्योंकि राज्य की जो आर्थिक अवस्था है, आर्थिक स्थिति है, वो इस लायक नहीं है कि ये एरियर लिया जाए। और यही कुछ हुआ वर्तमान सरकार के साथ में कि उन्होंने 27 महीने का और महंगाई राहत का एरियर वो नहीं दिया। और 1 अप्रैल 2018 से चंदनगांव माता मंदिर में प्रारंभ हरिनाम सत्ता का समापन आज भंडारा प्रसाद वितरण के साथ हुआ। आज दुर्गा मंदिर चंदनगांव में हरिनाम सप्ताह का समापन हुआ। उस उपलक्ष्य में हवन पूजन भोजन प्रसादी का कार्यक्रम रखा गया। ये सप्ताह गांव की खुशहाली और अधिक से अधिक हमारे गांव में, जिले में, प्रदेश में अच्छी वर्षा हो और हमारा किसान खुशहाल रहे, सबका घर परिवार खुशी से भरे पूरे परिवार रहे, यही हम इसी कामना से यह आयोजन प्रतिवर्ष हरिनाम सप्ताह का इस माता मंदिर चंदनगांव में होता है। और इसमें हमको पूरे गांव के सभी नागरिक लोगों का सहयोग प्राप्त होता है, साथ ही भजन मंडल, नवग्राम समिति, दुर्गा समिति और भंडारा समिति, त्रिशूल समिति, दुर्गा माता मंदिर समिति, ये सभी समिति के सदस्यों का हमें सहयोग प्राप्त होता है। मैं सभी सदस्य को और नागरिक लोगों को धन्यवाद देता हूँ। जय माता। टाउन हॉल में प्रारंभ होने जा रही श्रीमद् भागवत कथा के शुभारंभ अवसर पर आज कलश यात्रा निकाली गई। हज की पवित्र यात्रा पर श्रद्धालुओं के जत्थे रवाना हो रहे हैं। सिंगोड़ी से हज यात्रियों का जत्था पूरे उत्साह से यात्रा पर रवाना हुआ। तेरे प्यारे हबीब का रोज़े अतहर का दीदार करने के लिए अपने वतन मुल्क हिंदुस्तान से रवाना हो रहे हैं। पाक बेनियाज इनका सफर आसान हो,
ان کا سفر مبارک ہو، راہ میں آنے والی تمام مشکلات ان پر آسان ہو، پاک بے نیاز ان کا حج مقبول اور قبول ہو۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا، دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا میں سوئے ہوئے اہل بیت اہل رسول، رسالہ نعرہ رسالہ، حق لا الہ، حق لا الہ، لا شریک لک، لبیک اللہم لبیک، اے رسالہ المدینہ چل مدینہ، المدینہ چل مدینہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ۔ چلتے چلتے آئیے نظر ڈالتے ہیں سرخیوں پر۔ سرخیوں کے پرایوجک ہیں ستار ہیرو، 30 ورشوں کا وشواس۔ اور اب ایک نظر ہیڈلائنز پر۔ ہیڈلائنز کے پرایوجک ہیں ستار ہیرو، 30 ورشوں کا وشواس۔ امریا ڈکیتی اور ہتیا کانڈ کے آروپیوں نے اگلے کئی راج، ایس ڈی او پی سیونی کی سرکاری پسٹل، انووا کار، نگدی اور زیورات بھی برامد۔ بدماشوں کے بڑے حوصلے، سبزی منڈی روڈ پر ویاپاری سے 3 لاکھ کیش چھین کر بھاگے بائک سوار۔ پریاورن کو لے کر چھندواڑا میں لگاتار جاری ہے جاگرکتا پریاس، راجپوت چھتری سماج اور سماج سیویوں نے کیے وکشاروپن۔ اور ساون کے مہینے میں شہر ہوا دھرممائے، ہری نام سپتاہ، بھجن کیرتن اور بھنڈارا۔ یہ تو تھی اب تک کی تمام خبریں، کچھ اور نئی خبروں کے ساتھ ہم پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اور ہماری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ نمسکار۔